देखिए प्रेजेंट कंडीशन अभी जो है कमिश्नर साहब जो बोले हैं वही कंडीशन है कि हमने 80 मीटर तक तो क्लीन कर लिए हैं, उसके बाद हमने इससे ज़्यादा क्लीन जितना करने जा रहा है ऊपर से मार्क निकल के आ रहा है। नाउ दैट बिकम्स ए वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द क्रू वर ऑपरेटिंग, सो वी आर एक्सट्रीमली कॉशियस। अंदर में दो एक्सवेटर जाने का तो जगह है नहीं, एक जाएगा लेके आएगा उसके बाद दूसरा जा रहा है। आप लोग को जो लग रहा है कि स्लो है नहीं है, जो भी आप लोग को लगता होगा, आप लोग दिन भर इधर बैठे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। उसका कारण ये है कि एक साथ हम पांच चीज़ नहीं लगा सकते हैं, ट्रेन का भी प्रॉब्लम है, अंदर का टनल में जाने का जगह का कमी है, तो वी हैव केप्ट टू मशीन्स वन बाई वन कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग। हमने और भी डिफरेंट एरिया में काम करना शुरू कर दिया ताकि इसका टनल का ख़त्म करने साथ साथ बाकी एरिया में भी हमारा प्रोग्रेस होना शुरू हो जाए। हमने ड्रिल में 6 मीटर तक पहुँच चुके हैं, उसके बाद हमने उसमें देखा इसमें मार्क और पानी मिश्रण आ रहा है, एंड हम लोग देखा इसमें अगर कंटिन्यू करें हो सकते उसमें से कुछ गिर पड़े, क्योंकि पत्थर तो अनस्टेबल है, उससे हो जाए हमारा जो एक्सकेवेटर जाना ना कर रहा है वो नीचे धस जाए, क्या होगा पता नहीं। इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। हमारा मशीन का कोई खराबी नहीं है ना हमने उसे कॉल ऑफ करी। हम फुली प्रिपेयर्ड थे, आधे घंटे के अंदर अंदर हम टनल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई भी घटना घटती है हमारा जो रेस्क्यू रिस्पॉन्स सिस्टम है उनका मॉक ड्रिल करते हैं यहाँ पर, और मिनिमम आधा घंटा तो चाहिए हमको किसी भी जगह से भागने। अगर इंसान भागता भी है तो 500 मीटर भागना है तो उसको भागने के लिए समय चाहिए। इस टेरेन में हम कहीं भी छेद करके उसको एक्सेस करने का जगह नहीं दे सकते। ये तो ऐसा कठिन कार्य है जो हम कर रहे हैं, उसमें इतना जोखिम तो रहता ही रहता है। क्या आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स SDRF NDRF ITBP आर्मी सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आगे पहुंच पाएं। शुरू में स्पीड अच्छा था लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर नीचे SFT टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहां पर तक पहुँच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। तो SFT टनल के हिसाब से ये जैसा अभी DIG मैडम ने भी बताया आपको, एक प्रयास किया गया है और बहुत जेन्युइन प्रयास किया गया है, रात से लगे हैं इसमें लगातार, लेकिन जैसे अभी आपको NTPC के ऑफिशियल्स ने बताया है उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज है उसमें, और ये किए जाने से पहले ये संभव नहीं था मालूम होना। तो जैसे जैसे काम कर रहे हैं पता चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आप फर्दर करते हैं तो जो हमारा आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं बाधित ना हो जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा ये लगातार जारी रहेगा, ये चलता रहेगा, मग जो निकाल रहे हैं हम लोग उसको लगातार निकालते रहेंगे, और प्रयास हमारा ये रहेगा कि अब जो हमारा 180 मीटर है जहाँ तक पहुँच के जो एक उसका एक डाइवर्जन टनल है जो लगभग 3 मीटर का है और 90-95 मीटर का है, अप्रोक्स इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, हम नहीं कह सकते। देखिए हम भी नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि जब निकाल रहे हैं मग तो और मग निकल रहा है, आगे टनल की क्या स्थिति है ये पता नहीं, इसलिए इनकी इंजीनियर्स भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स उनके साथ लगातार लगे हुए हैं, वो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं ड्रोन्स हमारी जा रही हैं, हमारी जो कैमराज हैं उसको लगाकर हमारे जो लोग हैं उसके बाद में जो जवान हैं वो चढ़ के जाके देख रहे हैं, फिर जैसी जैसी स्थिति बन रही है उसके साथ साथ ही हम लोग आगे धीरे धीरे जा रहे हैं।